देखो सबसे पहले तो आता है कि भाई दो वेक्टर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं ना। अगर दो वेक्टर है तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है अपना p वेक्टर मान लेते हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड है p, और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं q वेक्टर है, और इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है हमारा थीटा, और इनका रिजल्टेंट है r वेक्टर। r वेक्टर क्या है? p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा था। तो अब तुम्हारे पास क्या है, देखो p और q तो फिक्स्ड हैं, p और q तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, जो लेंथ है p और q की वो फिक्स्ड है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं, इनको तुम चेंज नहीं कर सकते, पर तुम जो चेंज कर सकते हो थीटा, थीटा तुम्हारे हाथ में है। तो मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब आर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है और किस एंगल पे होगा। देखो ये सीधा सीधा देख सकते हैं, अगर इसका आर की मैक्सिमम वैल्यू मतलब आर की मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो थीटा को जीरो कर दो, तो दोनों सीधे हो जाएंगे और आर की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और बाकी इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो ऐसे, क्योंकि आर हमारा होता क्या, हमने निकाला था ना रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो अगर मुझे आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और कब होती है, जब थीटा 0 डिग्री होता है ना। तो अपन बोल सकते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, और आर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और वो कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो आर मैक्स कितना आया तुम्हारा पी प्लस क्यू, और कब आता है, जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होता है। इसको अपन विजुलाइज भी कर सकते हैं, पी ऐसा बना दो क्यू ऐसा बना दो, तो देखो इस समय जो लेंथ आएगी वही तो मैक्सिमम होगी, इस समय इन दोनों का एडिशन ही आर होगा। तो ये क्या है तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू है। अगला क्वेश्चन लिखो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। तो कैसे करेंगे, चलो देखो अगेन इसको देखो, मिनिमम निकालना है, कॉस की मिनिमम वैल्यू कब होती है, -1, 0 नहीं होती, -1 होती है मिनिमम वैल्यू। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा -1, और इसको -1 रखोगे तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू, मतलब पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो आर हमारा आ जाएगा रूट ऑफ पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ये बाई डेफिनेशन क्या होता है, मॉड ऑफ पी माइनस क्यू। मॉड का मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको अपन लिखेंगे पी माइनस क्यू इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू एंड क्यू माइनस पी इफ क्यू इज ग्रेटर देन पी, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो बड़ा होगा अपन उसको लेंगे। पी 3 है और क्यू 5 है, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 और मॉड ऑफ माइनस 2 इज 2, तो यहाँ पे क्यू पी से बड़ा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है क्या। कई बार ऐसा लगता है ना कि रूट ऑफ माइनस, जैसे अपन बोलते हैं रूट 4 तुम्हारा माइनस 2 नहीं होता, क्योंकि रूट की डेफिनेशन ही है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, ये डेफिनेशन होती है रूट की। तो अगर तुम इसको रूट 4 को तुम ऐसे भी लिख दो कि रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर, तो भी जो बाहर आएगा वो मॉड ऑफ माइनस 2 ही बाहर आएगा, तो विच विल अगेन बी 2। ये क्लियर है क्या? तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है पी प्लस क्यू, मिनिमम वैल्यू पी माइनस क्यू है ना। इसको अपन बनाए तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसे ये पी है ये क्यू है, तो आर तुम्हारा क्या आ गया, ये आर की क्या है मिनिमम वैल्यू, तो ये क्या है आर की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है क्या? ये प्रूफ भी है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल लेस देन द, इन दोनों का सम हमेशा किससे बड़ा होगा, आर से। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि पी प्लस क्यू आर की मैक्सिमम वैल्यू है ना। अरे ये देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, मतलब हम बोल सकते हैं आर हमेशा आर मैक्स से छोटा होगा और आर मिनिमम से बड़ा होगा। अरे यार ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ही है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ही है कि वो मैक्सिमम होगी, मिनिमम वैल्यू का मतलब ही है वो मिनिमम होगी। और आर क्या है तुम्हारा, आर इज नथिंग बट मॉड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, इसका रिजल्टेंट ही तो है, ठीक है। तो वो हमेशा, या फिर इसको आर ही लिख दो, आर मतलब थर्ड साइड हो गई, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड हो गई। आर मैक्स तुम्हारा कितना आ रहा है, पी प्लस क्यू, और आर मिनिमम कितना आ रहा है, मॉड ऑफ पी माइनस क्यू। तो यही तो बोल रहा है कि जो थर्ड साइड है, देखो ये एक साइड, ये दो साइड, ये तीसरी साइड है ट्राइंगल की, जो तीसरी साइड है ट्राइंगल की वो बाकी दो साइड्स के सम से हमेशा छोटी है। देखो ट्राइंगल के केस में इक्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि जब तुमने ऐसा बना दिया तो अब ये ट्राइंगल ही नहीं रहा, पर वेक्टर के केस में हम इक्वालिटी लगाएंगे, समझ में आ रहा है। अब ये हो गया, अभी ट्राइंगल थोड़ी, अब तो ये फ्लैट हो गया ना। तो आर हमेशा जो थर्ड साइड है वो हमेशा बाकी दो के सम से छोटी होगी और उनके डिफरेंस से बड़ी होगी। तो ये तुमने 10th में पढ़ा होगा, ये उसका प्रूफ भी हो गया। क्लियर है क्या? आगे बढ़ गया, ये लिख लो। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ना, जब भी हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कभी आ जाएगा, क्या ये तीन फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। तो लिखो, अब इस तरह के क्वेश्चन वेक्टर में ही आते हैं इसलिए बता रहे हैं ना। लिखो इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इज जीरो, इक्विलिब्रियम डज नॉट मींस रेस्ट। एक गलत कंसेप्ट बना लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पार्टिकल रेस्ट पे है ना, ऐसा नहीं होता।
इक्विलिब्रियम का मतलब है बस नेट फोर्स जीरो है, पार्टिकल रेस्ट में नहीं होता। और एसएचएम में हम पढ़ेंगे उसमें, वहाँ पे पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम पे होता है तब रेस्ट पे नहीं होता। हम फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो जैसे मैं तुमसे पूछूं, मैं तुमको ऐसे तीन पेयर दे दूंगा, जैसे मैं बोलूंगा क्वेश्चन ले लो पहला 3 न्यूटन 4 न्यूटन और 5 न्यूटन ले लो, कैन दीज थ्री फोर्सेज बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब तुम इनको जिस एंगल पे लगाना चाहो लगा दो, इस तरह से लगाओ कि नेट फोर्स कितना आ जाए, जीरो। तो ऐसा कर सकते हैं क्या बताओ? 3, 4 और 5 न्यूटन कभी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हो सकते हैं? कैसे लगेंगे बताओ, फिर लगा के बता दो कैसे लगेंगे। हो सकते हैं ना? कैसे? 3 न्यूटन को ऐसे लगा दो, 4 न्यूटन को ऐसा लगा दो। हमें पता है रूट ऑफ 3² + 4² = 5 होता है, और वेक्टर में पढ़ा है ना, अगर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से आ गए, नेट जीरो है ना। अगर क्लोज ट्राइंगल बनता है तो रिजल्टेंट जीरो होता है, जब सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। तो इन तीन का सम क्या है? जीरो। समझ में आई बात? तो क्या ये तीन इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं ये तीन इक्विलिब्रियम में। तो आंसर क्या है? यस, हो सकते हैं। तो कभी भी कोई तीन फोर्स अगर एक क्लोज्ड ट्रायंगल बना लें तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर 4 या 5 फोर्स है तो क्लोज्ड पॉलीगोन बना लें। जब भी क्लोज्ड पॉलीगोन बनेगा मतलब रिजल्टेंट क्या है? जीरो। सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो अब ये तो बहुत आसान सा दिया था तुमने, बता दिया। मान लो अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं 3 न्यूटन 4 न्यूटन और 8 न्यूटन, अब बताओ कैन दीज बी इन। यहाँ पे तो 3, 4 और 5 देख के हमको दिख रहा था राइट एंगल जैसा होगा, तो आसान है। क्या ये हो सकता है इक्विलिब्रियम में? ये तो बहुत आसान था, तो हमने देख लिया भाई राइट एंगल बन रहा है। अगर देखो ट्राइंगल बनाना है, हम ये समझ गए अगर ट्राइंगल बना लिया तीनों फोर्सेस ने तो फिर इक्विलिब्रियम में आ गए। और अगर ट्राइंगल बनाना है तो अभी तो हमने देखा कि सम ऑफ टू साइड्स तीसरे से बड़ी होगी, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स तीसरे से छोटा होगा, और कोई भी दो साइड लो फर्क नहीं पड़ता ना। तो इनमें से कोई भी दो ले लो, जनरली क्या करते हैं मैं छोटी वाले ले लेते, बाकी फर्क नहीं पड़ता, तुम किन्हीं भी दो को ले सकते हो ना। तो 3 और 4 को ले लेते हैं। तो बताओ इस वाले का अपन मेथड नंबर 2 पढ़ रहे हैं ना, जो यूनिवर्सल है जिससे तुम हर क्वेश्चन कर सकते हो। मेथड नंबर 1 तो ये हो गई थी। तो 3 और 4 को ले लेते हैं। तो 3 और 4 का सम कितना आ रहा है? 7 न्यूटन। 3 - 4 की जगह 4 - 3 करेंगे ना, 4 - 3 कितना आ रहा है? क्या जो तुम्हारी तीसरी साइड है वो इन दोनों के बीच में आ रही है? आ रही है। 1 < 5 < 7। तो हाँ ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। अगर नहीं आती तो नहीं हो सकते, क्योंकि इसने ट्राइंगल की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ना। यही कंडीशन तो बड़ी ट्राइंगल की, कि जो तीसरी साइड है वो बाकी दो की साइड के सम से छोटी होनी चाहिए और उनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? पक्का? ठीक है, ये वाला बताओ, ये वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? चलो सम करते हैं। 3 + 4 = 7 4 - 3 = 1। क्या 8 इन दोनों के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। 8 1 और 7 के बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो नहीं हो सकते, नो। ये फोर्सेस कभी भी इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं कर सकते। और विजुलाइज करवाऊं, चलो 8 न्यूटन बड़ा देख रहा है उसको यहाँ लगा दो, 3 और 4 न्यूटन को पीछे लगा दो, बिल्कुल अपोजिट लगा दो, तब भी अपोजिट में कितना फोर्स आ रहा है? 7 न्यूटन। और इधर कितना है? तो कुछ भी कर लो तो मिनिमम इसको 1 न्यूटन कर दोगे, इससे छोटा कभी नहीं कर सकते। 3 4 6, हाँ आप बताओ, ले लिया। कैसे होगा तुम बताओ इसका आंसर? नहीं कर सकते ऐसा। 3 बना दिया 4 बना दिया, ये ऑब्वियसली 5 से बड़ा होगा इस बार। ठीक है, क्लियर है क्या? बाकी करके कैसे देख सकते हैं? 3 + 4 = 7 4 - 3 = 1। क्या 6 1 और 7 के बीच में है? तो क्या इक्विलिब्रियम में हो सकता है? यस, ये भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, कर लोगे क्या? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते, फिर मैं समझ जाऊंगा। 5 न्यूटन 12 न्यूटन 16 न्यूटन तो होगा सन में है ना, इसका सम कितना है? 17 12 - 5 7। हाँ तो जो 16 है वो इन दोनों के बीच में है, तो यस होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं।